है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। नमस्कार, आज 26 जनवरी है, भारतीय गणतंत्र दिवस, इंडियन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां, मुबारक। आज का दिन जश्न का दिन है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान क्या है? संविधान भारत देश का जो संविधान है, हर भारतवासी का अभिमान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोर कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। विविधता में एकता भारत की पहचान है। देश एक स्वतंत्र गणराज्य बने और देश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय गणराज्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का लंबा समय लगा। देश के महान बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों के सागर मंथन के दौरान 141 बैठकें हुई। विभिन्न देशों के संविधान पर भी गहन चिंतन मनन हुआ। तब जाकर एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों के साथ स्वतंत्र भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तब से यह संविधान 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखा है और सबके हित की बात करता है। जिस प्रकार सूरज अपनी रोशनी को बांटते समय राजा की महल और गरीब की कुटिया में कोई अंतर नहीं करता, ठीक वैसे ही हमारा भारत का संविधान छोटा बड़ा, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सबको अपने प्रेम की पावन गंगा से अमृत प्रदान करता है और राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने को कृत संकल्पित है। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो उजालों में आंख खोलते हैं वो अंधेरों की घूंटन नहीं महसूस करते। मैं और आप में से ज्यादा लोग आजाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते हैं कि गुलामी क्या थी, कैसी थी और आजादी कितनी बलिदानों, कितनी कुर्बानियों से कमाई गई। पर यकीन मानिए, दुनिया की कोई ऐसा साहित्य नहीं, काव्य महाकाव्य नहीं, ग्रंथ महाग्रंथ नहीं, जो कुर्बानियों की आवाज बन पाए। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवान बेटे सीमा पर गोलियों से भून डाले गए। किन गीतों में ढलेगा चीर विरह का वो दुख कि नई नवेली सुहागिने अपनी सीने पे सह गई। कौन गाएगा उस युग की व्यथा जब बस्ती के सजीले सोख जवा बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। उन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी, माओं के जवा बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। ये सब लोग भी हमारे जैसे ही थे, उन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, उन्हें भी माँ का आंचल प्यारा था, लेकिन जब बात देश की आई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई और बता दिया कि हमारी मर्जी के बगैर हमारे जमीन पर पांव रखा तो खैर नहीं। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक प्रण है, काटेंगे अरी का मुंड कि स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। भारत की भूमि अनगिनत वीरों और वीरंगनाओं की जननी है। इस मिट्टी ने ऐसी ऐसी संतानें जन्मी है जिसकी गौरव गाथा को समय आज तक दोहरा रहा है और जुगों जुगों तक दोहराता रहेगा।
आज मैं उनमें से एक देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महान योगदान के बारे में बताऊंगा। हम सबको यह जरूर जानना चाहिए कि भारत के आजादी में नेताजी का क्या योगदान है। 1947 में जब ब्रिटेन ने भारत को आजाद किया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्हीं ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर किया तो भारत आजाद हुआ। 1956 में क्लीमेंट एटली भारत आए, उनका बंगाल जाना हुआ, जहां उनका स्वागत बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने किया। मैं आपको उस स्वागत की नहीं बल्कि उस सवाल की कहानी सुनाऊंगा जो भारत की आजादी के बारे में हमारी सोच को सच साबित कर देगा। गवर्नर साहब ने पूछा, मिस्टर एटली, आप वर्ल्ड वार वन भी जीत चुके थे, वर्ल्ड वार टू भी जीत चुके थे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कोई दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ नहीं, आप चाहते तो भारत पर राज करते रहते, ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर वापस इंग्लैंड चले गए? क्लीमेंट एटली ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक है, गौर करने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। रोल प्लेड बाय नेताजी आर्मी एंड इंडियन आर्मी रिवॉल्यूशन वाज पैरामाउंट इन इंडिया बीइंग ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना ने और भारतीय सैनिक विद्रोह ने हमारी नाक में इतना दम कर दिया था कि मजबूरन हमने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की आजादी में नेताजी का योगदान महान है, सबसे बड़ा है। नेताजी जैसा देशभक्त और नेताजी जैसा जिगरा तो शायद ही किसी के पास रहा हो, यह भी सच है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाते समय अपने सिपाहियों से कह दिया था, मुझे नहीं मालूम स्वतंत्रता के इस युद्ध के बाद हम में से कौन जीवित बचेगा, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हमारे मरने से भारत अगर जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ये न कहे कि मेरे बेटे वक्त परा तो काम ना आए। नेताजी जैसे देशभक्त को सत सत नमन।